मासूम की मौत को छुपाने के लिए डॉक्टर ने परिजनों को दिया 50,000 रुपए का चेक। मामला संज्ञान में आते ही एसपी मंजूनाथ सिंह ने दिया पोस्टमार्टम करने का आदेश। कब्र से निकाले गए मासूम की लाश के सिर पर दिखे 4 टाके। मुंबई से सटे पालघर जिले के बोईसर सरावली में साईं साक्षी हॉस्पिटल में हुए बच्चे की मौत को दबाने के लिए हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर हेमंत कुमार न्यूगे ने पीड़ित परिवार को 50,000 का चेक देकर मुंह बंद करने की कोशिश की। वहीं डॉक्टर के झांसे में न आकर परिजनों ने जिले के पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ सिंह को पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। मामले को तूल पकड़ते देख पुलिस अधीक्षक ने मृतक बच्चे का पोस्टमार्टम करने का आदेश दिया। आदेश मिलते ही बोईसर पुलिस नायब तहसीलदार व सरकारी डॉक्टर लेकर शमशान घाट से मृतक बच्चे को निकालकर पंचनामा कराया, जिसमें बच्चे के सिर पर 4 टाके दिखने से डॉक्टर न्यूगे की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। पेश है News24 भारत से उमाकांत भारती की रिपोर्ट। क्या हुआ था उस दिन? मेरा जब बच्चा नहीं हो रहा था तो मैं कल्पना सिस्टर से बोली, सिस्टर मेरे आदमी को बुलाओ, मुझे सीजनिंग पर चढ़ाओ। बोलती है 50,000 देगी। मैं बोली हाँ दूंगी, मेरे आदमी को बुलाओ। फिर बुलाई नहीं, सास जा रही थी तो उसको धक्का दे दे खेद रही थी कि बाहर जाओ, इसमें अलाउड नहीं है तुम लोगों का, बच्चा हो जाएगा तो आने का। फिर बच्चा भी हुआ, फिर डॉक्टर आया, पकड़ लगा दिया मेरे अंदर और पकड़ लगाया। कल्पना मैडम मेरे ऊपर चढ़ के ऐसा ऐसा हाथ से पूरा उसको नीचे पड़े दाब रही थी पेट को। फिर बच्चा हुआ, थोड़ा बहुत रोया और डॉक्टर लेके बाहर चला गया, दिखाया भी नहीं। आपको कुछ ऐसे जानकारी थी बच्चों को टाका वगैरह पड़ा ऐसे कुछ? हाँ मैं देखी ना, बच्चे को टाका लगाए वो लोग। कहाँ कहाँ टाका लगाए थे? इधर टाका लगाए थे, 2-3 जगह टाका लगाए थे, कान के इधर टाका भी लगाए थे। अभी क्या उम्मीद लगाए आप? मैं उम्मीद लगाई हूँ, मुझे बस इंसाफ चाहिए। मैं उम्मीद यही लगाई हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। तो क्या हुआ था उस दिन? मैं उनका पेट दुख रहा था। हाँ तो हम लोग लेके गए थे, सरकार में पहले लेके गए थे। हाँ फिर हम लोग सुबह के टाइम में बहुत बोलती है पेट ज़्यादा दुख रहा, फिर हम लोग प्राइवेट में लेके गए। हाँ तो लेके गए तो फिर सब बोलते सब ठीक है, अभी डिलीवरी नंबर हो जाएगा। हाँ फिर उसने कुछ बोला ही नहीं, फिर 3 बहुत बोलते लगे मैं सर्जरी करने का है, तो उसने डॉक्टर कुछ मुझे बताया भी नहीं, कुछ बोला नहीं। फिर बाद में 3 बजे बाद बोलता है बाहर निकल के 3:30 बजे मुझे बोला, डिलीवरी 3 बजे हुई और 3:30 बजे बोलता है बच्चा ऑफ हो गया आपका। नहीं क्या हुआ था बच्चे को, क्या क्या हुआ था? इधर टाका भी सब लग गया था, सब वही चिमटा डाल के निकाले थे, और बोली चिमटा डाल के निकाले थे। पंचनामा किया गया, किस बेसिक पंचनामा क्या निकला यहाँ पे? आज हमने आधा पौन घंटा पहले आके यहाँ से एक बॉडी एक्यूम थी, छोटे बच्चे की बॉडी फुल टर्म डिलीवरी, मतलब डिलीवरी होने के बाद बच्चे का मृत्यु हो गया था ऐसे समझते इस वक्त से। तहसीलदार साहब, पुलिस इंस्पेक्टर साहब और हमने बॉडी एक्यूम किया। तो एक्यूम करने के बाद हमने देखा कि बच्चे की जो बढ़त है, बढ़त के हिसाब से बच्चा का ग्रोथ बराबर। हाँ एग्जामिन करने के बाद इतना मालूम पड़ता है कि एक दाई साइड पर लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर 4 टाके दिखते हैं हमको, बाकी इंजुरीज के हिसाब से जैसे कंप्लेनेंट बोलता है कि यहाँ पीछे भी टाके लगे थे या यहाँ पे मार लगा था यहाँ पे, वो हमको दिखने में नहीं आया क्योंकि बॉडी बहुत डिकम्पोज हो गई है, बहुत ही डिकम्पोज हो गई है स्टेट में, मतलब कैसा कि ब्रेन, उसका ब्रेन भी लिक्विफाई हो गया है। टाका कहाँ पड़ा था सर? टाका मेरे को एग्जामिन करने के बाद जब देखा तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में आँख के यहाँ पे, आँख के ऊपर हमको 4 टाके दिखेंगे। तो जैसे कि कंप्लेनेंट के हिसाब से बोल रहे हैं कि यहाँ पे पीछे की तरफ मार लगा, यहाँ पे भी टाके लगे थे, वो हमने को दिखने में आए नहीं क्योंकि पूरा बॉडी गल गई है, और इसके गलने की वजह से एक पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि मृत्यु का कारण एग्जैक्टली क्या है, वो पिन पॉइंट नहीं कर सकते। जो भी मेरा रिपोर्ट रहेगा पुलिस का, जो क्वेश्चनरीज रहेगा मेरे को, वो मैं करके हम लोग को मेडिकल बोर्ड के पास भेजना पड़ेगा फॉर कॉज ऑफ डेथ या फिर आगे का जो डिसीजन होगा उसको।